नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव वीडियोज में। आज के वीडियो में हम अपने 200 वाट के पावर इन्वर्टर पे 200 वाट से लेकर 800 वाट तक का लोड डाल के चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा इन्वर्टर इतने लोड को चला भी पाता है या फिर इतने लोड से हमारा इन्वर्टर सर्वाइव भी कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास ये 850 वाट का एंगल ग्राइंडर है और इस वाले एंगल ग्राइंडर से हम मतलब इस वाले एंगल ग्राइंडर को हमारा घर का इन्वर्टर भी मुश्किल से चला पाता है। जो बड़ा वाला इन्वर्टर है वो भी मुश्किल से चला पाता है। तो ये सबसे हेवी लोड है जो हम इस इन्वर्टर के साथ में चेक करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास ये 650 वाट का एयर ब्लोअर है और इसको भी हम चेक करेंगे कि हमारे इन्वर्टर के साथ में वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर ये इसको कितनी देर तक चला पाता है ख़राब होने से पहले, ठीक है। और एंड में हमारे पास 850 वाट की ये हैमर ड्रिल मशीन है और इसको भी हम चेक करेंगे कि इसको भी ये रन कर पाता है या नहीं कर पाता है, और चला भी पाता है तो कितनी देर इसको चला पाएगा, मैक्सिमम कितना ये लोड उठा पाएगा। और इसका लोड टेस्टिंग के लिए मैं लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी यूज़ में ले रहा हूँ 100 एम पावर की, और ये बैटरी मैंने खुद बनाई है। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये बैटरी कंटिन्यू 1250 वाट तक का लोड हैंडल कर सकती है कंटिन्यू, मतलब डिस्चार्जिंग पे। और अभी हम देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। और सबसे पहले मैं आपको 200 वाट लोड चला के दिखा दे रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको चला के दिखाया था। ये 200 वाट के दो बल्ब जला रहा हूँ मैं इसके साथ में, और ये लोड मैंने कंटिन्यू चला के देखा था और कैमरा अराउंड आधे घंटे से ऊपर ये कंटिन्यू चल रहे थे, कोई इशू नहीं हुआ इसमें 200 वाट लोड पर। मतलब ये 200 वाट इसकी जो कंटिन्यू रेटिंग है ये अच्छे से चल जाता है, और 400 वाट इस वाले इन्वर्टर पर पीक वाटेज है और हम जो लोड डालने जा रहे हैं वो इसकी पीक वाट से भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो हमारे सबसे कम लोड है हमारा बल्ब के बाद में, ये 650 वाट का ब्लोअर है और इसको हम चला के देखेंगे कि हमारा ब्लोअर चल भी पाता है या नहीं चल पाता है, क्योंकि ये इसकी रेटिंग से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी पीक वाटेज 400 वाट है और ये ब्लोअर जो हमारा है ये अराउंड 650 वाट कंज्यूम करता है। तो इसको देखना होगा कि ये हमारा रन कर पाता है या नहीं कर पाता है, या फिर हमारा चलाते ही तुरंत इन्वर्टर जो है हमारा ख़राब हो जाता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और इसको पावर ऑन करके ब्लोअर को चेक करते हैं। अभी देख सकते हैं ब्लोअर हमारा चल रहा है, लेकिन ब्लोअर बंद होके चालू हो रहा है, मतलब जो हमारा इन्वर्टर है वो बार बार ट्रिप होके ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ब्लोअर जितनी स्पीड से मेन लाइन पे चलता है उतनी स्पीड से चल रहा है 1 से 2 सेकंड के लिए, और उसके बाद में हमारा इन्वर्टर ट्रिप होके वापस ऑन ऑफ हो रहा है। तो इस वाले लोड को ये कंटिन्यू नहीं चला सकता क्योंकि इसका ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट चालू हो रहा है और इसके मैक्सिमम क्षमता से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको इतना ओवरलोड हैंडल नहीं कर सकता इन्वर्टर। अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो रेड LED है वो बार बार ग्लो कर रही है और हमारा ब्लोअर कंटिन्यू बंद चालू हो रहा है, तो मतलब इतना लोड तो इसमें नहीं चलेगा। फिर भी हम एंगल ग्राइंडर और ड्रिल वगैरह चला के चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा इन्वर्टर चल पाता है या इन्वर्टर जो है ख़राब हो जाता है, या फिर ओवरलोड प्रोटेक्शन में आके हमारा इन्वर्टर बच जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर होते हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जब इन पर लोड डालते हैं तो ये तुरंत जल जाते हैं। और इसी वीडियो में हम ये भी चेक करेंगे कि क्या ये इन्वर्टर ये जलते भी है या फिर इनका प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है, सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट। तो अभी देख सकते हैं हमारा एंगल ग्राइंडर मैंने इसके साथ में कनेक्ट कर लिया है और ये हमारा सबसे ज़्यादा हेवी लोड है, मतलब 850 वाट का लोड है और इसकी कैपेसिटी से 400 गुना इस पर लोड चला रहे हैं, और ये लोड है इस पर नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। एंगल ग्राइंडर हमारा बिल्कुल ठीक है, आपको लग रहा होगा इसकी आवाज़ से कि एंगल ग्राइंडर का वायरिंग वगैरह ख़राब है, लेकिन ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा इसको मतलब लोड डाल रहा है ये वाला एंगल ग्राइंडर हमारे इन्वर्टर पर, तो उसको घुमा भी नहीं पा रहा है अच्छे से, 100 से 150 RPM पर भी नहीं घुमा पा रहा है। और हमारा एंगल ग्राइंडर तो इस पर नहीं चल सकता क्योंकि इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ में जो हमारी हैमर ड्रिल मशीन है वो भी चला के चेक करेंगे और देखेंगे कि इस वाले ड्रिल को ये कुछ देर के लिए चला पाता है या नहीं चला पाता है, और क्या इस ड्रिल से चलाने के से हमारा इन्वर्टर जो है ख़राब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और अगर आपको इन्वर्टर बाई करना है 200 वाट तक आपका लोड है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और देख सकते हैं अभी हमारा हैमर ड्रिल वगैरह भी अभी चल रही है, लेकिन ये बार बार ट्रिप होके ऑन हो रही है, वही सेम प्रॉब्लम है जो हमारे ड्रिल के ग्लेंडर और उसके साथ में थी हमारे ब्लोअर के साथ में। अभी देख सकते हैं ये चल तो रही है लेकिन बार बार टर्न ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, और क्योंकि इसका ओवरलोड प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो रहा है और हमारा इन्वर्टर से कभी भी नहीं चलेगा इतने लोड से। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लोड चलाना हो और ये 200 वाट वाला इन्वर्टर जो है स्टॉक में ना हो अमेजोन पर, तो उसके 1000 वाट वाले वेरिएंट के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वो भी खरीद सकते हैं। वो हमारे हिसाब से इजीली ब्लोअर तक का लोड तो चला ही लेगा और ड्रिल वगैरह कंटिन्यू शायद ना चलाए पाए लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए चला लेगा। और इसके अलावा जो हमने कन्वर्टर जो हमारा DC to DC कन्वर्टर था उसको भी हमने अपग्रेड करके 200 वाट का बनाया था 40 वाट से ये वाला कन्वर्टर, तो इस पर भी अगली वीडियो में हम यही सेम लोड चला के देखेंगे और देखेंगे कि हमारा कन्वर्टर इसको चला भी पाता है या नहीं चला पाता है। और इसकी वीडियो जल्दी आने वाली है 100 दिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर लेना।